हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में हम वोकैब सेक्शन के idioms की बात करने वाले हैं। इस बार हम idioms को उसके यूजेस के थ्रू समझेंगे कि कैसे उसका यूज़ हम स्पोकन में कर सकते हैं या जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे हम बिल्कुल सही करें। आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो हमेशा आपको याद रहेगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं idioms के। पहला वर्ड दिया गया है एन आफ्टरनून फार्मर। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर और फार्मर का मतलब होता है किसान। आप लोग जानते होंगे कि किसान मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता है। अगर आप बोल रहे हैं आफ्टरनून फार्मर, इसका मतलब कि वो क्या है, दोपहर में उठने वाला किसान है। तो अगर आप किसी को बहुत लेजी बोलना चाहते हैं, कोई स्लो बंदा है जो बहुत ही धीमे काम करता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एन आफ्टरनून फार्मर। ये आपका स्पोकन में भी आप उसको यूज कर सकते हैं कि मोहन इज एन आफ्टरनून फार्मर, ही ऑलवेज कम्स लेट हियर, या ही कंप्लीट्स हिज वर्क लेट। नेक्स्ट वर्ड है गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। गिव का मतलब होता है देना और अकाउंट का मतलब होता है जो भी उसका खाता है, बही खाता है, उसको वो अच्छा दे रहा है। यानी गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, अगर अकाउंट को गुड करना है इसका मतलब कि उसको परफॉर्म वेल करना पड़ेगा, डू वेल करना पड़ेगा। काम को जब अच्छे से किया जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। इफ सी इज अपॉइंटेड टू अ सुटेबल पोस्ट, सी विल गिव अ गुड अकाउंट ऑफ हरसेल्फ। अगर उसको उसकी सुटेबल पोस्ट पे हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं तो वो क्या करेगी, बहुत ही अच्छा अकाउंट देगी। दैट मीन्स सी विल डू गुड वर्क। नेक्स्ट वर्ड है, इसको और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी मूवी आई थी केसरी मूवी, तो वहां पे है इन मूवी केसरी मिस्टर अक्षय कुमार गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ बट द मूवी कुड नॉट स्टील द शो। कहने का मतलब कि अक्षय कुमार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया, लेकिन फिर भी वो मूवी जो है वो स्टील द शो नहीं कर पाई। यहाँ पे एक नया वर्ड आया स्टील द शो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब वाहवाही लूटना या प्रशंसा लूटना, शो को बिल्कुल चुरा लेना। तो यहाँ पे एक नया idioms हमने यूज कर लिया स्टील द शो, तो इसका मतलब होता है टू गेट प्रेज या टू बी एडमायर्ड। अब इसको अगर हम लोग स्पोकन में यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे राम प्लेड हिज रोल सो वेल दैट ही स्टोल द शो। राम ने अपना जो भी रोल था, जो भी पार्ट था, उसको इतना बेहतरीन तरीके से किया कि सब लोगों ने क्या किया, उसकी बहुत प्रशंसा किया, उसने पूरा शो को बिल्कुल चुरा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टील द शो। यहां पे हम लोगों ने चार वर्ड सीखे। पहला वर्ड था एन आफ्टरनून फार्मर, जिसका मतलब होता है बहुत ही लेजी बंदा या स्लो पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है अगर आप अकाउंट अच्छा दे रहे हैं दैट मींस आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, डू वेल। नेक्स्ट वर्ड है स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब क्या होता है, टू गेट ऑनर, टू गेट प्रेज। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट idioms है गेट द एक्स। जैसे एक प्रोवर्ब्स आप लोगों ने सुना होगा कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो भी जिसकी आदत होती है वो उतना ईजली छूटती नहीं है। ये इसको अगर याद करना है तो इसके लिए हम एक स्टोरी फ्रेम करते हैं कि एक लकड़हारा था, उसकी एक हैबिट थी कि वो हमेशा, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी को फेंक करके हमेशा शिकार किया करता था। उसके इस टैलेंट को देख करके उसको इंडियन आर्मी में जॉब दे दी गई, और तभी एक वॉर होता है और उसकी वो आदत की वजह से जब वो लड़ने के लिए बैटल पे गया तो वहां पे उसने क्या किया, उसने जो भी उसको गन दी गई थी उसने उसको फेंक करके जो भी उसके दुश्मन थे उसकी तरफ फेंका, जिससे क्या हुआ कि वो गन लेकर के दुश्मनों ने अपनी पार्टी पे अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपना नुकसान हो गया, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। तो वर्ड हमारा है गेट द एक्स, यानी एक्स को प्राप्त करना, उसकी इस आदत की वजह से उसको वहां नौकरी से क्या किया गया, निकाल दिया गया। तो इस वर्ड को हमने याद कर लिया गेट द एक्स, उसको एक्स कब मिला, जब उसको जॉब से निकाला गया। तो यहां पर idioms आपका याद हो गया। जैसा एग्जाम्पल दिया गया है मैनी पीपल इन सिप बिल्डिंग विल गेट द एक्स, सिप बिल्डिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। तो गेट द एक्स का मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब और टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब।
नेक्स्ट वर्ड है कीप समबडी एट एन आर्म्स लेंथ। कीप का मतलब रखना किसी को, एट एन आर्म्स लेंथ एक हाथ की डिस्टेंस पे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। आप जिसको पसंद करते हैं कभी भी उसको एट एन आर्म्स लेंथ नहीं रखते, उसको बिल्कुल क्लोज रहते हैं। यहां पे वो क्या कर रहा है, एक हाथ की डिस्टेंस पे रख रहा है, इसका मतलब वो चीजों को अवॉइड कर रहा है। ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि आप जो बैड कंपनी है उनसे क्या करें, अवॉइड करें। यू शुड कीप बैड कंपनी एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट वर्ड है अबव बोर्ड, और उसी के पैरेलल एक वर्ड दिया गया है अंडर द टेबल। एक सिंपल सी चीज है, जब कोई चीज बिल्कुल ऑनेस्ट होती है, बिल्कुल ओपन होती है, अगर यहां पे ये बोर्ड पे कोई चीज लिखी हुई है, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया, वो बिल्कुल फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, फेयर है। तो अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर अगर लिखा है तो वो चीज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर वो चीज अंडर द टेबल है, अंडर द टेबल का मतलब आप ओपनली कुछ नहीं कर रहे, कुछ सीक्रेटली करने वाले होते हैं। तो यहां पे हमने दो वर्ड याद कर लिए कि अगर वो चीज बोर्ड पर है इसका मतलब वो स्पष्ट है, लेकिन अगर वो अंडर द टेबल है इसका मतलब वो क्या है, सेक्रेटली। इसको हम यूज भी कर सकते हैं, स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे नोबडी विल ट्राई टू चीट यू, द होल थिंग इज ओपन एंड अबव बोर्ड। कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैटर है, जो भी चीज है, वो बिल्कुल क्लियर है। ही गेव ब्राइब टू द ऑफिसर अंडर द टेबल। कभी आप किसी को रिश्वत देते हैं तो हमेशा वो ओपनली नहीं दी जाती, उसको सीक्रेटली दिया जाता है, अंडर द टेबल दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विद इन एंड एक ऑफ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एक, ये होता है इक्का। जैसे कार्ड्स में आपका जो भी होता है तो उसमें एक कार्ड इक्के का होता है, जिसको इंग्लिश में एक बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो वहां पे क्या होता है, वर्ड हमारा है विद इन एंड एक ऑफ। जिसके पास एक है, जिसके पास इक्का है, वो क्या होता है, वेरी क्लोज टू विनिंग, यानी वो क्या है, जीतने के बहुत करीब होता है। तो वहीं से वर्ड हमारा बन गया विद इन एंड एक ऑफ, इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टू या के नजदीक होना। जिसके पास इक्का है वो जीतने के क्या होगा, बहुत ज्यादा पास होगा। My brother was within an ache of winning the race, but at the last moment he stumbled. कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जीतने के बिल्कुल कगार पे था, very near या very close to। तो यहाँ पे word हमने याद कर लिया, within an ache of का मतलब होता है very close to। ये वर्ड है समथिंग, इसको ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम समथिंग को शॉर्ट में STH लिख सकते हैं। टेक समथिंग इंटू अकाउंट, अकाउंट में क्या करना, कुछ भी लेना। कोई भी बंदा आए आपसे कुछ बोले कि सर इसको अकाउंट पे ले लीजिए, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, टेक समथिंग इनटू अकाउंट। अकाउंट में लेने से पहले आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे। तो यहीं से ये वर्ड बना है टेक समथिंग इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है टू कंसीडर। इसमें बहुत सारा स्पोकन में भी आप लोग बोलते हैं, जैसे आप पेरेंट्स की फीलिंग का हमें ध्यान में रखना चाहिए, अपनी टीचर्स की फीलिंग का ध्यान में रखना चाहिए। तो वी शुड टेक फीलिंग्स इनटू अकाउंट ऑफ अवर पेरेंट्स, इसका हम यूज भी कर सकते हैं स्पोकन में भी। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो अकस्टम टू, अकस्टम। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, आ को हम रिलेट कर रहे हैं आने से। कोई भी चीज अगर आपकी कस्टम में आ जाएगी, आपके रीति रिवाज में आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उस चीज के आदि हो जाएंगे। तो अकस्टम टू का मतलब होता है यूज टू, मतलब आदि होना। अगर इसको यूज किया जाए तो आई सून गॉट अकस्टम टू हर स्ट्रेंज वेज, बहुत ही जल्दी क्या हुआ, वो बिल्कुल जो भी उसके अजीबोगरीब जो व्यवहार थे, जो तरीके थे, उसका क्या हो गया, बहुत आदि हो गया। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने idioms को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा कि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या स्पोकन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सजेशन कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।